Hello, students, welcome to your PDA. I am Jitendra Tyagi and I am here with you to share again some important information. Okay, daily I meet with you people through this uh, medium and uh, we discuss about some good opportunities for your career. Okay, so today we have information from Food Corporation of India again. Okay, uh, FCI has announced some recruitment earlier also. So now they have again announced some more recruitment. सी जोन वाइज रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव इन एफ सी आई ओके जोन वाइज रिक्रूटमेंट है नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में सो यू हैव टू विजिट द वेबसाइट ऑफ फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड इन दियर कैरियर सेक्शन यू कैन फाइंड दिस डिटेल्स ऑल्सो और इन द एम्प्लॉयमेंट न्यूज ऑल्सो यू कैन चेक ओके एम्प्लॉयमेंट न्यूज डॉट गवर्नमेंट डॉट इन ये वेबसाइट पर जाके भी आप चेक कर सकते हो इस डिटेल्स को ओके सो

And vacancies in different categories are also mentioned. Okay, so check number of vacancies in your category and in the interested post. In which post you are interested? Tick the number of vacancies in your category and then apply for this job. In South Zone also we can see vacancies. In East Zone we have, West Zone we have. Okay, so in different zones we have same uh, post: J e. Civil, J e. Electrical, J e. Mechanical and these uh, steno grade 2 okay uh, ag 3rd journal these vacancies now important point is a candidate can apply in any one zone only so you can apply in any one zone if you apply for north zone you cannot apply in any other zone okay so this is important point you can apply in only one zone ए कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली फॉर एनी वन ऑफ द पोस्ट कोड ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच विद इन द जोन सो फर्स्ट यू हैव टू चूज द जोन एंड देन यू हैव टू चूज द पोस्ट कोड सो यू कैन अप्लाई ओनली फॉर वन पोस्ट इन वन जोन ओके ये आपको ध्यान रखना है मोड ऑफ एप्लीकेशन इज ऑनलाइन ओनली रिजर्वेशन आर एज गवर्मेंट नॉर्मस नाउ वॉट इज द सेलेक्शन प्रोसेस पैटर्न ऑफ ऑनलाइन टेस्ट द ऑनलाइन टेस्ट विल कम्प्राइज ऑफ फेज वन एंड फेज टू एग्जाम सो दो फेज है फेज वन और फेज टू ठीक है सो द ऑनलाइन एग्जाम ऑफ फेज वन सेल बी कॉमन इनरेस्पेक्टिव ऑफ द पोस्ट ये जितनी भी पोस्ट यहां पर मैंने मैंशन किए हैं सभी के लिए कॉमन रहेगा आपका फेज वन का एग्जाम का सिलेबस सो क्या है सिलेबस वॉट इज दिलेबस इंग्लिश लैंग्वेज ट्वेंटी एंड दिस विल बी इन ओनली इंग्लिश लैंग्वेज देन रीजनिंग एबिलिटी नंबर ऑफ क्वेश्चन ट्वेंटी फाइव मैक्सिम मार्क्स ट्वेंटी मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन बाई लेंग्वेल ओके इंग्लिश और हिंदी दोनों में पेपर होगा देन न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड या ये आपका जोन वाइज डिफरेंट लैंग्वेज में भी हो सकता है ओके रीजनिंग एबिलिटी न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड जनरल स्टडीज सो ये आपके हंड्रेड क्वेश्चन हंड्रेड मार्क्स के रहेंगे सिक्सटी मिनट में करने होंगे आपको सो लेवल ऑफ द क्वेश्चन विल बी इजी इजियर बहुत सिंपल क्वेश्चन होंगे ठीक है

कैंडीडेट्स भी लैपियर इन पेपर वन टू बी फॉलोड बाई पेपर टू ऑनलाइन टेस्ट फॉर पेपर वन एंड पेपर टू सेल बी हेल्ड इन द सिंगल सीटिंग ओनली आपको दो पेपर यहां पे करने होंगे पेपर वन पेपर टू एक ही सीटिंग में दोनों करने होंगे ठीक है ये आपके डोमेन से रहेंगे देन जे इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ओके एंड सिमिलरली फॉर डिफरेंट पोस्ट कोड यू कैन सी पेपर टू ड्यूरेशन सिक्सटी मिनट्स सिक्सटी एमसी क्यू आपके जो ब्रांच है उसके हिसाब से राइट डिफरेंट पेपर हैं आपके जो भी आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो फेज टू में आपको पेपर का एक कॉम्बिनेशन चूज करना होगा अकॉर्डिंगली आपको पेपर देना होगा राइट right? या आप चेक कर सकते हो इस पूरी पी डी एफ को ध्यान से पढ़ोगे तो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी My, here my main motive is to inform यू रिगार्डिंग द जो पोस्ट ओके बाकी आपको कैसे अप्लाई करना है वेबसाइट पे जाके इसकी आप अप्लाई कर सकते हो एप्लीकेशन फी जो है नॉन रिफंडेबल पेमेंट ऑफ फी ऑनलाइन सिक्स ऑफ सितंबर टू फाइव ऑफ अक्टूबर ओके सो छह सितंबर से पांच अक्टूबर के बीच में आपको इसको ऑनलाइन करना होगा पे फी को राइट right? रजिस्ट्रेशन करोगे इस वेबसाइट पे जाके अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करोगे रजिस्ट्रेशन करने के बाद डिटेल फिल करोगे आप और फर्दर प्रोसीजर जो भी यहां पे आएगा उसको कंप्लीट करोगे जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे वो डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे राइट सो ऑल स्टूडेंट्स हु आर सीकिंग ए गवर्नमेंट जॉब ओके दे मस्ट एंड हु आर एलिजिबल हुज एज इज बिलो हुए ओके अकॉर्डिंग टू द जॉब पोस्ट यू कैन चेक द एज लिमिट सो यू हैव टू अप्लाई इन दिस जॉब एंड प्रिपेयर फॉर द जॉब ओके ऑल द बेस्ट